पहले बात और जल कभी लो तो इसमें ऐसे ही कर लो, जरूर ध्यान कर ले क्या ऐसे ही कर। हाँ, ये ओरिजिनल में एस ए ई होना ही चाहिए, कंपनी वाले बोल रहे हैं भाई। ठीक है, हेलो नमस्कार, मैं किशोर गौतम और आप लोग देख रहे हैं किशोर साउंड कैबिनेट। अभी हम लोग है इंडियन डीजे एक्सपो दिल्ली। मैंने देखा यहाँ पर इस बार ओरिजिनल वाला साउंड स्टैंडर्ड जो सीए एम्पलीफायर पूरा ऑल ओवर इंडिया में फेमस हुआ था ना, ओरिजिनल वाला है भाई, ये कॉपी वाला नहीं बात हो रहा है, ओरिजिनल वाला। इसका मैंने एक शॉप देखा, मैंने समझ गए कहने का सिंपल भाषा में, इनका स्टॉल देखा। मुझे वीडियो बनाने पर मजबूरन वो होगा, मैंने समझ गया वीडियो बनाना मुझे पड़ेगा, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा चीज़ मालूम चले, इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, खूब छोटा होगा। ठीक है, अब हम लोग का अभी सबसे पहले भाई अरुण दास जी से बात करेंगे। ठीक है सर, इधर आइए। सबसे पहले ये सीए का चार चैनल एम्पलीफायर के बारे में कुछ बोलो, जो ओरिजिनल सीए है इसके बारे में कुछ बोल दो सर। सर ये चार चैनल में है, 2500 चार ओम पे है, तो 2500 इंटू चार है, तो ये आप इसमें 10,000 वाट हो गए पूरे। तब 10,000 वाट का एम्पलीफायर पर चैनल 2500 वाट, इसमें 2 ओम्स स्टेबल नहीं है एकदम ईमानदार से। इसमें देखो भाई, कभी भी कोई भी चार चैनल का एम्पलीफायर में 2 ओम्स स्टेबल नहीं रहता है, आप 8 ओम्स बजाओ 4 ओम्स बजाओ एकदम जबरदस्त चकाचक बजेगा। ठीक है, इसका बाद में ये सर ये कौन सा मॉडल LA4800 ना, ये इसका ये कितना वाट का सर? पहले टेक्नो आती थी, हाँ ये सेम LA सीरीज आया हुआ, ये नया मॉडल। हाँ तो ये सेम टेक्नो 4 और टेक्नो 5। ओ, जो पहले आप लोगों को मालूम है, पुराना जो डीजे वाले हैं उनको मालूम है, जो टेक्नो 4 और टेक्नो 5 आती थी, डुप्लीकेट बहुत आ गया। हाँ, इसीलिए टेक्नो ज्यादा डुप्लीकेट आ गया बोल के साउंड स्टैंडर्ड का। देखो ये होलोग्राम देख लेना भाई, लेकिन इसमें होलोग्राम नहीं है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम से मैंने हट गया होगा, लेकिन इस होलोग्राम को याद करके लेना। ठीक है, और अब इसमें आएंगे CA12, CA18, CA20, वो भी LED, ना LED नहीं, A6 मॉडल है। ओ ठीक है, देखो इसके बारे में सर कुछ बोलो सर। सर ये A6 मॉडल है, सबसे क्लियरिटी अगर आप बात करो तो ये क्लियरिटी इनमें सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें CA20 जो है वाइड वाली है, इसमें आपकी 7200 वाट होती है। हाँ, 7200 वाट कितने फोर ओम्स में? 7200 वाट नहीं, चार ओम पे 3200 है, 3264 वाट, मैंने फोर ओम्स में बात करते हैं, टू ओम्स में बात नहीं करेंगे। चार ओम पे ये 2000 है, अरे चार ओम पे 1250 ओ, तब काफी जबरदस्त एम्पलीफायर है। CA20 में तो हर कोई बेस बजाते हैं, और 18 में टॉप बजाता है, 12 में भी टॉप बजाते हैं, और ये साउंड स्टैंड का CA18 20। फिर ये देखो इसका खोल के रखे हैं, मैं इसको एक बार अंदर का बाहर का कुछ भी दिखा दूं। ठीक है, ओरिजिनल में ब्लैक वाली प्लेट होती है, अरे कौन सा एक बार दिखा दो भाई। देखो ये ओरिजिनल में ब्लैक वाली प्लेट होती है, देख लो एक बार, समझ गए आप लोग, देख सकते हैं ओरिजिनल, ये सीए स्टैंडर्ड है। सबसे बड़ा बात, पहले बात ओरिजिनल कभी लो तो इसमें ऐसे ही कर लो, जरूर ध्यान कर ले क्या ऐसे ही कर। हाँ, ये ओरिजिनल में SAE होना ही चाहिए, कंपनी वाले बोल रहे हैं भाई। ठीक है, हो सकता है 80% आदमी के पास में डुप्लीकेट एम्पलीफायर भी, ये भी हो सकता है भाई, समझ गए, ग्रीन वाला ओरिजिनल नहीं होता। अब देखो, अब इसमें आएंगे फिर CA9 12 18, ये LCD वाला है ना डिस्प्ले, इसमें डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, डबल क्रॉस होती, बाकी सेम चीज होती है, दोनों साइड में क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर है दोनों टाइप में, माने बेस बजाने के लिए जबरदस्त है, बेस कर सकते हो एक तरफ टॉप कर सकते हो, इसको एक एम्पलीफायर में इसको एक तरफ में बेस एक तरफ में टॉप भी बजा सकते हो। ठीक है, बाकी नया सीरीज देखो, ये नया सीरीज CA12 CA18, इसका मॉडल नंबर क्या है, लिखा हुआ है। ठीक है, और मॉडल भी सेम है, सब कुछ सेम है, क्योंकि ज्यादातर इसमें डुप्लीकेट आ गया, जी सीरीज आ गई। सर ये 1200 वाट कितने वाट की होती है, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5 6 केवल 6 12 24 ही मॉस्फेट लगे, मॉस्फेट इतना रोल नहीं लगती, टेक्नोलॉजी जो होती है ओरिजिनल की टेक्नोलॉजी कुछ और होती है, अब मॉस्फेट 20 लगाने से कोई क्वालिटी नहीं आ जाती है, मेन टेक्नोलॉजी होती है ओरिजिनल टेक्नोलॉजी होना चाहिए प्रॉपरली, तभी क्वालिटी आती है, तभी इसमें क्लियरिटी रहती है। ओके सर, थैंक यू सर।
जैसे कि देखो जो मुझे दिखा मैंने सीधा क्वेश्चन कर दिया, और ये देखो और एक मॉडल है TX 2400, TX 3600 क्राउन की आती है लाइट वेट। ओ ठीक 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 जो क्राउन का एकदम हल्का क्लास डी एम्पलीफायर है ना ये, और ये सारे एच क्लास है। ओ ये क्लास डी का एम्पलीफायर है, देख लो भाई क्लास डी एम्पलीफायर। और ये तो वही चार चैनल वाला एम्पलीफायर है, ठीक है। और ये मैक्स सीरीज भी सेम है, ये वो मैक्स सीरीज वही सेम है, वो पहले जो टेक्नो की सीरीज आती थी ये सेम वही है ना बस। और देखो ओरिजिनल की चीज हमेशा याद करना, यहाँ पर कंपनी एकदम दिखा रहा है इस तरह से चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखा कंपनी का होलोग्राम इस तरह का रहेगा बोल के कंपनी सारा चीज आप लोग को स्विच के नीचे V2 जरूर लिखा। हाँ देखो स्विच के नीचे में V2 जरूर होना चाहिए, V2 होना चाहिए। देखो पावर V2 स्विच नियर। देखो भाई आप लोग को ओरिजिनल माल मिले बोल के कंपनी इतना मेहनत कर रहा है, ठीक है। देखो ये दुकान है प्रोटेक ऑडियो ऑडियो फेयर। अगर आप लोग को ओरिजिनल सीओ वाला एम्पलीफायर चाहिए तो कंपनी से तुरंत संपर्क करें, आपसे संपर्क करें। अपना नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर अपना नजदीकी डीलर से संपर्क करें। हाँ हर जगह में डीलर है, मैंने गांव गांव गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन ओरिजिनल हमेशा लेना, डुप्लीकेट मत लेना भाई। डुप्लीकेट में वो बेस में प्रेशर ही नहीं आती है, जो यूज करते हो डीजे वाले भाई उसको तुरंत मालूम चल जाता है ओरिजिनल डुप्लीकेट में। हम लोग तो यूज करते हैं इसीलिए काफ़ी अच्छा लगता है ओरिजिनल सीए का, अचानक मैंने देख लिया बोल के एक छोटा सा वीडियो बना लिया बस। भाई आपको वीडियो कैसा लगता है, अगर कुछ सजेस्ट करना है तो कमेंट करो भाई, अगर कुछ खराबी हो तो भाई वीडियो में कमेंट करके बोलो, मैं इसको अगला वीडियो में ठीक करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।